हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फार्मा माइंड्स चैनल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक सेक्शन की। फार्मास्यूटिक सेक्शन के अंदर कोर फार्मास्यूटिक्स, दैट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जी पैट 2024 का पेपर हो चुका है और फार्मा माइंड्स उसको सेक्शन बाय सेक्शन कवर कर रहा है। अभी तक हम लोग अदर्स, कोग्नोसी और कोलोजी वाला सेक्शन कवर कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये तीनों सेक्शन अभी तक कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वी आर मेकिंग दिस वीडियो लिटिल लेट बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन आए थे और ऑप्शन वो थे। ठीक है, फिलहाल तब भी फिलहाल भी आई थिंक कुछ अगर ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं तो यू कैन जस्ट वेरीफाई दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वीडियो आर मेमोरी बेस्ड। ठीक है, और जितना मैं पता लगाए यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ऑप्शन ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आंसर्स यही करेक्ट हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जी पैट 2025 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी देखते चलना बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ NBEMS जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो किस कंसेप्ट पे, क्या मेंटालिटी लेके पेपर बना रहा इस साल उन्होंने बनाया और अगले साल किस बेसिस पे पेपर आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 अपना, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो हमें मिल पाए, जो हर जगह अवेलेबल है अभी फिलहाल। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंग जो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट आता है वो कौन से जोन में आता है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के जोन्स बांटे हुए और बोला गया है कि कौन से जोन में ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट पड़ता है। ठीक है, तो जो जोन वन होता है वो तो टेम्परेट रहता है आपका। ठीक है, दूसरा वाला सब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है ड्राई एंड हॉट होता है, तो आंसर तो आपको मिल गया, ये वाला हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो आंसर आपने अगर जोन 3 किया हुआ है तो दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर यू एंड +4 मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन वही जोन 1 टेम्परेट में आ जाएगा, जोन 2 सब ट्रॉपिकल या मेडिटेरेनियन, जोन 3 दैट इज हॉट एंड ड्राई जोन, दैट्स योर आंसर, एंड जोन 4 अगेन हॉट एंड ह्यूमिड में आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा ड्रग को डिग्रेड किया जा सकता है। बेसिकली जो भी ड्रग हम खाते हैं, जो बन रहा है वो डिग्रेड हो सकता है। डिग्रेड सिंपल भाषा में गल सकता है या फिर उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए जिसके द्वारा वो प्रोसेस हो रहा है, हमें वो ढूंढना है जिसके द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो फोटोलाइसिस से ड्रग डिग्रेड होता है, डीकार्बोक्सिलेशन से भी होता है, हाइड्रोलिसिस से भी होता है, हीमोलाइसिस से नहीं होता। हीमोलाइसिस बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू ड्रग डिग्रेडेशन। तो टाइप ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन यहाँ दे रखे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस किस का होता है, एस्टर का, माइट्स का, बारबिट्यूरेट्स, हाइड्रोजन चॉइन्स हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, डिहाइड्रेशन, आइसोमराइजेशन, रेसिमाइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, फोटो डिग्रेडेशन। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो ड्रग है वो डिग्रेड हो सकता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें आपको कहीं पर भी हीमोलाइसिस नहीं मिलेगा, तो दैट विल बी द आंसर। अगर आपने हीमोलाइसिस चूज करा है दैट विल बी द करेक्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे हम कैप्सूल के अंदर वेट वेरिएशन चेक कर पाते हैं बाय दिस रिफ्लेक्ट एनर्जी टेक्निक, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसकी मदद से हम वेट वेरिएशन या कुल मिलाकर सिंपल भाषा में वेट को चेक कर पा रहे हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्ट एनर्जी टेक्निक। तो उसमें से ये और ये ऑप्शन तो पहले हटा दो। रोटोफिल जो होता है वो फिलिंग के काम आता है, पैलेट्स, ये पैलेट्स फिल करता है। ठीक है, रोटोसॉर्ट जो है वो जो है फिल्ड कैप्सूल और अनफिल्ड कैप्सूल को सॉर्ट करता है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बचता क्या है, वेरी कैप 1200 और रोटो वे। अब ये दोनों को, दोनों मेथड जो है वो वेट पर्पस पे काम आते हैं, लेकिन जिसमें एनर्जी टेक्निक या रिफ्लेक्ट एनर्जी टेक्निक जो है बोला जा रहा है वो यूज होती है, वो रोटो वे होता है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, दैट इज योर +4। ठीक है, चलो तो जैसे मैंने बोला था रोटोफिल पैलेट फिलिंग के काम आता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे रोटोसॉर्ट जो है वो सॉर्टिंग करता है फिल्ड अनफिल्ड कैप्सूल्स की। उसके बाद आता है रोटोवेट जो हमारा आंसर है, हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन।
फिर वेरी कैप है, ठीक है, सॉर्टिंग ऑफ कैप्सूल ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो ये भी वेट पे ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है, इसका अलग मेथड होता है। और रोटोवेट जो है प्योर एनर्जी पे काम करता है, और वो वेइंग के लिए काम उसका लिया जाता है, साथ ही साथ वेट वेरिएशन में भी, जब वेट कर रहा है तो वेट वेरिएशन भी वो बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन कैप्सूल से आया हुआ है। ब्लूम स्ट्रेंथ कैप्सूल की नापी जाती है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, तो सीधा सीधा ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ब्लूम स्ट्रेंथ होता क्या है। ब्लूम स्ट्रेंथ बेसिकली जब कैप्सूल बनता है, तो कैप्सूल किसका बनता है, जिलाटिन का बनता है, तो जिलाटिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो क्रॉस लिंकिंग है उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है ब्लूम स्ट्रेंथ। मतलब कि जो कैप्सूल के अंदर जिलेटिन मॉलिक्यूल्स आपस में कितना क्रॉस लिंक्ड है, उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है ब्लूम स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी मॉलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन, जितना ज़्यादा जिलेटिन का मॉलिकुलर वेट होगा उतना ही ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ वहाँ निकल के आएगी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ब्लूम स्ट्रेंथ की रेंज दे रखी है, ठीक है, आयरन कंटेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 15 PPM, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी के बारे में बता रखा है, विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का मेजर बताती है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑप्टिमम विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, 25 से 45 mPa होनी चाहिए, ठीक है। चलो नाइट्रोस्टैट, अगर किसी ने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो ना, ओके, अगर किसी ने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो, तो एक ड्रग आता है नाइट्रोग्लिसरीन, अगर आपको याद हो, मैंने भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको एंजाइना पढ़ाया था या जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, तो उसी के नाम पे ड्रग बनाया नाइट्रोस्टैट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोस्टैट हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है, और जो भी ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है ना, उसको हम प्रेफर करते हैं कि उसको हम सब लिंगुअल रूट से दें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर नाइट्रोस्टैट का सब लिंगुअल टैबलेट हो जाएगा, अगर आपने बी चूज़ करा है तो सही है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन के सब लिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, जो एंजाइना, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था ये, ठीक है, वहाँ पे दिया जाता है। यूड्राजिट NE40D, ये कौन सा टैबलेट है, ये किस टाइप का टैबलेट होता है, इसका नेचर यहाँ पे हमें बताना था कि वो इमिडिएट रिलीज है IR, बक्कल टैबलेट है, बोलस टैबलेट है, या फिर कंट्रोल्ड रिलीज है CR, ठीक है। तो जो यूड्राजिट होता है, यूड्राजिट NE40D, ठीक है भाई, ये जो होता है वो CR टैबलेट में आता है। CR मतलब कंट्रोल्ड, कंट्रोल बोले तो सस्टेन्ड, ठीक है। चलो तो भाई यूड्राजिट का जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पर दे रखा है, इथाइल एक्रिलेट और मिथाइल मेथाक्रिलेट इसके अंदर होता है, ठीक है। डोसेज फॉर्म्स इसकी टैबलेट पूछा गया था। फंक्शन की बात करें, देखो लिखा हुआ है सस्टेन्ड एक्सटेंडेड रिलीज, तो काइंड ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज है ये, धीरे धीरे करके रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है कंट्रोल्ड मैनर में, तो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप्स होते हैं, तो उसका जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे रेट लिमिटिंग स्टेप बोला जाता है, क्योंकि उसी की वजह से पूरे के पूरे रिएक्शन की स्पीड निर्धारित यहाँ हमें पता लग पाती है। तो यहाँ पूछा गया कि अगर कंट्रोल रिलीज ड्रग है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर सीधे सीधे डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इमीडिएट रिलीज की बात करें, तो वहाँ पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा कि नहीं, वो रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ड्रग है जो कंट्रोल रिलीज है, ठीक है, कंट्रोल रिलीज है, तो उस केस में डिसोल्यूशन वो कितना जल्दी घुलता है या कितना लेट घुलता है, कहाँ पर, GI फ्लूइड के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है, जहाँ पे जाके दवाई को घुलना होता है। तो कंट्रोल रिलीज ड्रग के लिए उस GI फ्लूइड के अंदर हमारे कंट्रोल रिलीज ड्रग को घुलना, वही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। जबकि इमीडिएट रिलीज जो जल्दी जल्दी रिलीज होगा, उसके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो कितनी जल्दी अब्जॉर्ब होगा। अगर वो लेट अब्जॉर्ब हुआ तब उसका रिलीज तो रुक जाएगा ना, क्योंकि उसको तो जाते ही रिलीज हो जाना है। लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या है कि वो अब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, अगर अब्जॉर्ब हो गया तो रिलीज होने में उसको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ टैबलेट, तो उसमें मल्टी आंसर्स थे, इसमें बी भी आंसर होगा, डी भी आंसर होगा, लेकिन ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो डी आंसर होगा, ठीक है।
एवरेज वेट और हार्डनेस फ्रेबिलिटी। यहाँ पूछा गया कि जब टैबलेट को हम बनाते हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि भाई टैबलेट जो बनाए हैं हमने वो सही बना है कि नहीं बना है। तो ये हम देखना चाहते हैं ये जो टैबलेट बना है वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके लिए QC क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना कि एवरेज वेट निकालना, उसकी हार्डनेस फ्रेबिलिटी, हार्डनेस टेस्टिंग करना, फ्रेबिलिटी टेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स, वेट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, और आपका हार्डनेस एंड फ्रेबिलिटी टेस्ट। तो ये जो दो टेस्ट हैं आपके इसमें आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स। ये सब भी होता है, साइज, शेप, थिकनेस, उसका साइज सही है कि नहीं है, शेप सही। बेसिकली अब क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये है कि टैबलेट बना है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब होता है कि हम ये देख रहे हैं कि वो सही बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना तो वापस से बनो, या उस बैच में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि टैबलेट कभी अकेला नहीं बनता, बैचेस में बनता है। ओके चलो, तो भाई टैबलेट जो है उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा रखी है सेल्यूलेस एसिटेट थैलेट की, दैट इज कैप। मतलब टैबलेट के ऊपर कैप की लेयर चढ़ा रखी है। अब यहाँ पूछा गया कि जो ये लेयर चढ़ा रखी है इसकी वजह से जो टैबलेट है वो कहाँ पर रिलीज होगा? स्टमक में रिलीज होगा, लिवर में, ओरल कैविटी या इंटेस्टाइन में? तो ये जो कैप होता है ना सेलुलोज एसिटेट एथलेट, ये ब्रेक डाउन करता है या फिर रिलीज करता है ड्रग को जब पीएच 6 से ज़्यादा हो। अब देखो सीधी सी बात है, स्टमक में पीएच एसिडिक होता है, लीवर में खाना जाता ही नहीं है। ठीक है, लीवर में खाना नहीं जाता, ड्रग वहाँ पहुँचेगा नहीं, उससे पहले ही वो स्टमक में वगैरह वगैरह रिलीज हो जाएगा। तो लीवर तो हो नहीं सकता, स्टमक हो नहीं सकता। ओरल कैविटी में भी हमारा जो पीएच होता है वो काइंड ऑफ न्यूट्रल होता है, ओरल कैविटी की बात करें, मुंह की। तो आंसर अपने आप बन जाता है इंटेस्टाइन, यहाँ पे बेसिक पीएच होता है। ठीक है चलो, तो देखो सीधी सीधी बात यहाँ पर दी है, सेलुलेस एसिटेट एथलेट, ठीक है, ये जो है डिजोल्व करता है अबव pH 6, इसी वजह से ये इंटेस्टाइन हमें आंसर चूज करना होगा। तो जब भी किसी टैबलेट के ऊपर कैप की कोटिंग चढ़ी हो, कैप क्या एक पॉलीमर है, तो वो ड्रग इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होगा, ना कि स्टमक में। हम चढ़ा ही इसे ले रहे हैं ताकि वो स्टमक में डिजोल्व ना हो जाए। ठीक है चलो, ये भी हो गया आपका। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप रीड कर लेना इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखो जब भी हम ड्रग बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में कंपैटिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में से एग्जाम्पल कौन सा। पहले मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन रीड कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो चीज़ें ऐसी हैं कि ड्रग का मॉलिक्यूल है और अलग अलग टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तीन टाइप की होती है मेनली, पहली जो होती है फिजिकल होती है। ठीक है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब फिजिकल बेसिस पे कुछ दिक्कत आ रही है। इनकम्पैटिबल मतलब होना, पैरामीटर्स आपस में मैच ना होना। फिर केमिकल, केमिकल कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, थेरेप्यूटिक। ठीक है, जैसे डोज कम ज़्यादा हो जाना, इंटरेक्शंस हो जाना, ये थेरेप्यूटिक में आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ड्रग इंटरेक्शन, डोज में एरर मतलब कम ज़्यादा हो गई, ये दोनों के दोनों थेरेप्यूटिक में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे। एल्कलॉइड इनकम्पैटिबिलिटी, एल्कलॉइड के केमिकल स्ट्रक्चर आपका केमिकल ड्रग है तो ये आपका केमिकल में आ जाएगा। अब बचा गया लिक्विफैक्शन, तो जो लिक्विफैक्शन होता है ना वो अपने आप आपका फिजिकल में आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे बी चूज़ किया होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेम चीज़ दे रखी है, फार्मास्यूटिकल फिजिकल कंपैटिबिलिटी एक ही मतलब होता है, इसमें लिक्विफैक्शन दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ केमिकल के दो इसके टाइप्स हैं, टॉलरेटेड, एडजस्टेड। और थेरापेटिकल के अंदर मतलब ये होता है कि ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है, डोज कम ज़्यादा हो गई है, इसको थेरापेटिकल में काउंट करते हैं। चलो नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट जो कि डेजर्ट प्लांट्स से मिलता है उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है सिट्रिक एसिड के साथ। पूछा गया कि भाई कौन सा यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हम उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो उसको सिट्रिक एसिड के साथ दिया जाता है, साथ में देंगे तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब अगर मैं एक चीज़ को ए और बी करके दो केमिकल हैं इनको अलग अलग दे रहा हूँ तो इनका इफेक्ट अच्छा खासा आ रहा है, इनको दोनों को साथ में दे दूँ तो इनका इफेक्ट जो है मान के चले 50 आ गया, अलग अलग दिया तो दोनों का तब भी मिला के 30 आया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर मैं अलग अलग दूँ इफेक्ट कम है,
अगर साथ में दे दूँ इफेक्ट बढ़ जाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो सिट्रिक एसिड के साथ देंगे सिनर्जिज्म दिखाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। तो आंसर है टोकोफिरॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो टोकोफिरॉल्स है वो अपनी स्टेबिलिटी, अवेबिलिटी और लो कॉस्ट के लिए ज़्यादा मार्केट के अंदर कॉमनली इस्तेमाल किया जाते हैं, जबकि सिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेटिव डिट्यूरेशन को रिटार्ड करता है। ठीक है, एड्स इन रिटार्डिंग ऑक्सीडेटिव डिट्यूरेशन ऑफ लिपिड्स बाय चिलेशन ऑफ मेटल आयंस इन सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इतना डीप नहीं जाने का, सिंपल इतना समझने का कि टोकोफेरॉल्स और सिट्रिक एसिड के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जब साथ में देते हैं तो उनका इफेक्ट और बढ़ जाता है, दे शो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग टैबलेट कैपरेशन ड्वेल टाइम इज, मतलब जब भी टैबलेट को कंप्रेस किया जाता है तो ड्वेल टाइम का क्या मतलब होता है? तो इसका बेसिकली सिंपल सा आंसर आपका डी हो जाएगा, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आई थी। ठीक है, ये पंचेस से रिलेटेड होता है और कंप्रेसर से रिलेटेड होता है, ड्वेल टाइम जो होता है। इसमें जो पंचेस होते हैं वो वर्टिकली मूव करना स्टॉप कर देते हैं, और जो डाई होती है वो अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक नीचे चली जाती है। चलो, तो बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द पंचेस टू स्टॉप मूविंग वर्टिकली, मतलब पंचेस मूव करना वर्टिकली रुक जाते हैं, और जो डाई होती है वो अपने मैक्सिमम तक पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप टैबलेट का जो चैप्टर पढ़ेंगे, भावना में पढ़ाते हैं ऐसे कंप्रेशन में, तो वो आपको और डिटेल में इसको अच्छे से समझा पाएंगे कि ड्वेल टाइम क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको एक एक ब्रीफ पिक्चर यहाँ पे देने की कोशिश करी है। तो अगर आपने डी चूज़ किया होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पायलट प्लांट स्केल, आई होप ये ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आया था। पायलट प्लांट स्केल जब भी बात आती है तो बात आती है प्रोडक्शन बैच की या प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बैच का 1/10 जो है वो आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका सूटिक्स के अंदर है, और सरप्राइजिंगली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, इस साल आ गया। तो अगर आपने ये चूज़ किया होगा तो डेफिनेटली आपका राइट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नाउ वी मूव ऑन टू द फिजिकल फार्मेसी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे डाउट है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि नहीं था। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ फिलहाल। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने ये लीव भी किया है क्योंकि अजीब सी क्वेश्चन थी, एंड स्टिल आई ऑल्सो हैव डाउट क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मेमोरी बेस्ड है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द आंसर की राइट नाउ, तब इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रियोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पे इनमें से कौन सा टाइम इंडिपेंडेंट। देखो, इसमें से जो आपको ये सारे के सारे रियोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, न्यूटोनियन, एंटी थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, इसमें से बोला कि इनमें से सारे के सारे टाइम इंडिपेंडेंट हैं, कौन सा नहीं है, कौन सा टाइम पे, समय पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा रियोलॉजिकल बिहेवियर समय पे जो है यहाँ पर समय पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे के सारे टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो। बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये बिहेवियर दे रखे हैं, होता क्या है कि जब भी कोई फ्लूड होता है, फ्लूड फ्लो करता है, और उसके फ्लो करने के बेसिकली अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर, सूडो प्लास्टिक बिहेवियर, न्यूटोनियन आपका बिहेवियर, और एंटी थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, तो मेनली ये तीन होते हैं। अब ये क्या, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा रियोलॉजिकल बिहेवियर है जो टाइम पे डिपेंड एक्चुअली में करता है। तो आंसर है एंटी थिक्सोट्रॉपिक, ये टाइम पे डिपेंडेंट है, समय पे डिपेंड करता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। देखो, टाइम इंडिपेंडेंट वेरी, इसमें आ जाएगा आपका डायलेटेंट, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, टाइम पे डिपेंड करने वाले हैं थिक्सोट्रॉपिक, एंटी थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन सा ऐसा विस्कोमीटर इनमें से है, पिक्नोमीटर, कप एंड बॉब, ऑसवर्ल्ड, ब्रूकफील्ड, जो न्यूटोनियन फ्लूइड को मेजर करने के काम आता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर यहाँ इस्तेमाल होगा, और सिंगल पॉइंट के दो ही एग्जाम्पल होते हैं, तो ऑसवर्ल्ड और दूसरा फॉलिंग स्फीयर। तो फॉलिंग स्फीयर तो यहाँ पर है नहीं, तो बचता है ऑसवर्ल्ड, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरी विस्कोमीटर में ऑसवर्ल्ड आता है, ये सिंगल पॉइंट में आता है। ठीक है, बाकी जो ये दूसरे दे रखे हैं, कप एंड बॉब, ठीक है, ये आपके मल्टीपल पॉइंट वाले विस्कोमीटर होते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ सॉलिबिलिटी एनहेंसमेंट, ये सारे के सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे सॉलिबिलिटी बढ़ती है। ऐसा कौन सा मेथड है जिससे सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी? तो वह क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
चलो, ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिनसे सॉल्विटी बढ़ती है, को सॉल्वेंसी, सॉल्युबलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, हाइड्रोट्रॉफी, इन सब की मीनिंग भी आती रखी है। को सॉल्वेंसी मतलब होता है इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, मतलब ड्रग के अंदर हमने एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जो वाटर सॉल्युबल है, तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बोलेंगे, हमने एक सॉल्वेंट डाल दिया ड्रग के साथ तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन इज बाई, अगर हम किसी केमिकल के अंदर, अगर या किसी सॉलिड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स डाल दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ हायर एच एल वी वैल्यू, तो उससे सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उससे भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। चलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई गोल्ड नंबर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, समझने वाला नहीं, रट्टाफिकेशन ट्रैगाकांत का होता है, इसकी टू वैल्यू आती है। ठीक है, ये हाई गोल्ड नंबर, ये सारे के सारा कोलॉइड से रिलेटेड है, तो ये फिजिकल फार्मेसी से आया हुआ है, कोलोइड सस्पेंशन इमल्शन। ठीक है, तो ट्रैगाकांत का टू है, अकेशिया की वैल्यू दे रखी है, जिलेटिन, एल्बुमिन, सबकी वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी, नाइपर के लिए भी देख लेना। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब वही वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारी चीज़ें है ना, स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेरलाइजेशन। तो यहाँ से सिर्फ तीन क्वेश्चन आया था, बहुत आसान आए थे। यहाँ पूछा गया था कि अगर मेसोफाइल्स के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ क्या होगी, तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर होता है ये साइक्रोफाइल होता है, ठीक है, ये थर्मोफाइल होता है, थर्मो मतलब अब 40 से 50 है, वही तो टेम्परेचर बढ़ गया, ये हाइपर थर्मोफाइल होता है। अब तक तो आंसर पता लग गया होगा, ये बीच वाला आ जाएगा, मेसो या मीसोफाइल। ठीक है, चलो देखो, वही चीज़ याद रखी है, साइक्रो का 0 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, मीसोफाइल का 20 से 45 डिग्री सेल्सियस, फिर थर्मोफाइल, फिर हाइपर थर्मोफाइल। ठीक है, एग्जाम्पल भी सबके दे रखे हैं, विब्रियो कॉलेरे जो कि कॉलेरा कॉज करता है, वो भाई ग्रो कर रहा है आपके 0 से 15 डिग्री सेल्सियस में, फिर आपका ये नमोनिया आता है, फिर आपका थर्मोफिलस है, फिर आपका एक्वाटिकस है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो इन्फ्लुएंजा है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, अगेन सिर्फ और सिर्फ ये रट्टाफिकेशन वाला है, कंसेप्ट वाला नहीं है, इट्स लाइक कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, नाइपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोमिक्सोविरिडे का इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी एन सी, देखो इसमें इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, पोलियो वायरस, ह्यूमन राइनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, पी कोरोनाविरिडे। ठीक है, साथ ही साथ रुबेला का टोगाविरिडे, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, कोरोना का कोरोनाविरिडे, ठीक है, एचआईवी का देख लो, रेट्रोविरिडे, तो ये जो मेन मेन फैमिलीज हैं वो ज़रूर याद कर लेना, डेंगू वायरस का फ्लेविविरिडे। ठीक है, चलो, लेप्रोसी क्या होती है, पहली बात तो लेप्रोसी होती किससे है, उसी से आंसर मिल जाएगा, लेप्रोसी होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, माइकोबैक्टीरियम के नाम में ही आ रहा है, बैक्टीरियम मतलब ये बैक्टीरिया से होती है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। ठीक है, इसे हैंसन डिजीज भी बोला जाता है, हैंसन डिजीज, ये मैंने आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था। तो यहाँ तक आपका फिनिश होता है माइक्रोबायोलॉजी, फिर हम अब करते हैं आगे इंजीनियरिंग पे। ठीक है, ओके, तो भाई आगे चलते हैं फिर, इंजीनियरिंग में चार क्वेश्चंस आए थे, इसमें से कौन सा हाई शेयर मिक्सचर है, तो भाई सीधी सीधी बात है, जब हाई शेयर की बात आती है, शेयर काइंड ऑफ फोर्स है, तो वहाँ पर आंसर अपने आप ही 6 ब्लेड्स मिक्सर हो जाता है। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिगजैग सेमी सॉलिड्स के लिए, जेट फ्लूड्स के लिए, तो यहाँ पर आंसर 6 ब्लेड मिक्सर होगा। ठीक है, तो भाई ये हाई शेयर मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 ब्लेड्स होती हैं और मिक्सिंग वेसल के अंदर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ट्रफ शेप में ये मिक्सिंग प्रेफर करते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे ब्लेड जो है मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, मिक्सिंग जो टॉपिक है इंजीनियरिंग का, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मिक्सिंग, चलो, द गिवन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द लॉ, ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया था, ये साइज रिडक्शन से आया हुआ है वैसे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो फिक्स, अगर ये ऑप्शन था वहाँ पर, तो ये फिक्स लॉ जो है ये बायोफार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, जहाँ हमने ये पढ़ा था कि पैसिव जब एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन होता है, तब वहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करते हैं, अंटिल द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अंटिल द डिफरेंस बिकम्स इक्वल, ये तो अलग चीज़ है, यहाँ पर ये हो नहीं सकता। ठीक है, बॉन्ड लॉ भी एक अलग होता है। ठीक है, ये लेंथ से रिलेटेड होता है, बचा किक लॉ, रेटिंगर लॉ, ये दोनों के दोनों जो है वो साइज से रिलेटेड होते हैं, तो कन्फ्यूजन इसमें होना चाहिए था। रिटिंगर लॉ की बात करें तो इसमें सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, और किक लॉ जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, चलो,
तो ये लॉ है और ये इसकी इक्वेशन है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेटिंगर लॉ ये रहा, तो कुछ अजीब से क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात ये कि 125 में से ये 7-8 ही क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, ठीक है। तो रेटिंगर लॉ बेसिकली कहता है जो एनर्जी चाहिए साइज रिडक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सर्फेस एरिया प्रोड्यूस्ड। की थ्योरी क्या कहती है, जो एनर्जी लगती है बेसिकली साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, कि किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करने में जो एनर्जी लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेशियो ऑफ इनिशियल साइज, ठीक है, रेशियो ऑफ इनिशियल साइज। चलो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट मैकेनिज्म, यहाँ पूछा गया था ये कौन सा, ये मिल्स दे रखे हैं, मिलिंग से आया हुआ है, ठीक है, मिलिंग बोल रहा हूँ मैं, साइज रिडक्शन से काइंड ऑफ आया हुआ है ये भी, ठीक है। तो कौन से मिल का प्रिंसिपल या मैकेनिज्म इम्पैक्ट और एट्रिशन है, वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्लूड एनर्जी मिल, ठीक है। तो फ्लूड एनर्जी मिल जो होता है प्रेशर उसका इतना होता है, साइज रिडक्शन वो इतना कर देता है 120 माइक्रोन कर देता है, ठीक है, मेश का साइज 20 से 100 है और वहाँ प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है। तो जिस जिसने फ्लूड एनर्जी मिल किया, ठीक आंसर है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ड्राइंग प्रोसेस के अंदर एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ये डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो इनकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, और एडियाबेटिक प्रेशर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा यहाँ पर। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एक ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पर हवा और जो वेट वाटर वेपर का जो मिक्सचर है उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ लेस देन 100% हैव लिक्विड लिक्विड वाटर एडेड। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस है वो एक टाइप का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हवा और वाटर वेपर का मिक्सचर साथ में एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 100% से कम होती है, ऑफ लेस देन 100%, और थोड़ा लिक्विड वहाँ पर वाटर ऐड होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन से आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन से। चलो लास्ट में ये आ जाते हैं, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इसके 3 क्वेश्चन आए थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, टेबल आपको साक्षी मैम ने पढ़ाया होगा, ठीक है। 300 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट लगेंगे एक हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, 300 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट लगेंगे, तो 300 बेड के लिए 10 फार्मासिस्ट लगते हैं, 200 बेड के लिए 8 फार्मासिस्ट लगते हैं, 100 बेड के लिए 5 फार्मासिस्ट लगते हैं, ठीक है। इन पेशेंट सर्विसेज के पर्सनल, मतलब इन पेशेंट अगर वहाँ एडमिट है तो उसके लिए कितने वॉलेंटियर्स लगेंगे, ठीक है। चलो हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, मतलब अगर हमें चाइल्ड डोज निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो इसमें से कौन सा जो मेथड है वो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा मेथड है जो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। ये तीनों के तीनों जो है एज पे डिपेंड करते हैं, यंग जो है ईयर वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ईयर, फ्रीड्स फॉर्मूला मंथ्स पे आ जाता है काइंड ऑफ, ये भी एज पे डिपेंड कर रहा है, क्लार्क्स फॉर्मूला जो है वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इजी। चलो देखो, यंग एज, डिलिंग एज, फ्रीड एज इन मंथ्स, क्लार्क बॉडी वेट किलोग्राम, ठीक है, इजी। इसमें कैट्जल फॉर्मूला जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जो बॉडी सरफेस एरिया का मेथड होता है वो सबसे बेहतरीन मेथड होता है चाइल्ड डोज या डोज कैलकुलेशन के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। एलिक्सर के अंदर 47% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है, तो उसका प्रूफ स्पिरिट कितना होगा यूएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल था जिसका आंसर था 82%, तो अगर आपने डी चूज करा हुआ है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 57.1 से, ठीक है। साथ ही साथ ये नेगेटिव में आ रहा है, इससे ये भी पता लगता है कि ये अंडर स्पिरिट है, अंडर स्पिरिट, अंडर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दे रखा है 40% बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो 40 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, डिवाइड किया 57.1 से, तो इससे जो वैल्यू आती है वो आ रही है आपकी 82। 100 से माइनस करने के बाद हम प्रूफ स्ट्रेंथ पता लगाते हैं कि वो अंडर है कि ओवर है, ठीक है। चलो अगर आपने 82 चूज किया, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट ये BCS बायो फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन आया, जहाँ क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक होता है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली
ये जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ परमिएशन एंड सॉलिबिलिटी है, परमिएशन और सॉलिबिलिटी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है। तो इसमें चार क्लास के अंदर ड्रग्स को बांटा गया है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो यहाँ पे ड्रग ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, ये कौन सी क्लास का है, क्लास वन का है, टू, ये क्लास थ्री का जो है, ये इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है, क्लास थ्री का कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है, ए साइक्लोमर और एटेनोलॉल क्लास थ्री के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो क्लास थ्री की बात करें तो साइक्लोवर, एटेनोलॉल, कैप्टोप्रिल। क्लास वन सबसे आसान होता है करने के लिए, सॉलिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है। पैरासीटामोल, मेटोप्रोलॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, नाइपर में भी आ सकता है। तो मेक श्योर व्हेन यू आर स्टडिंग इट यू क्रैम दिस टेबल, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सी एस क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि बी सी एस क्लासिफिकेशन थर्ड के अंदर क्लास थ्री में इनमें से कौन से कैटेगरी के ड्रग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन्वॉल्व, ये तो मैंने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ाया था, फेज वन और फेज टू रिएक्शंस होते हैं। और फेज वन के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कॉर्ड, कॉर्ड बोले तो साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड डी साइक्लाइजेशन, याद है, लिख देता हूँ, चलो, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डी साइक्लाइजेशन, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें तो फेज वन में इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिलता जुलता दिख रहा है, सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, और देखो यहाँ दिया भी हुआ है फेज वन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ओ एच ग्रुप मोस्ट इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में और हाइड्रोलिसिस के अंदर, और ये सारे के सारे फेज वन वाले रिएक्शन होते हैं। तो सी अगर आपने चूज करा है तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, फेज वन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, फेज टू में सबसे ज़्यादा ग्लूकोर और रेड कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, चलो ओके। यहाँ पूछा गया कि ट्रांसडर्मल परमिएशन जो है उसकी आइडियल ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उसकी लॉग पी वैल्यू कितना होना चाहिए, लॉग पी वैल्यू क्या दर्शाती है, वो ये दर्शाती है कि ड्रग कितना जल्दी परमिएट कर जाएगा, परमिएट मतलब कि घुस जाएगा कहाँ, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो लॉग पी वैल्यू जो है कम होती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो आंसर यहाँ पे अपने आप में 1/1-3, मतलब 1:3 हो जाएगा, ठीक है, कम होनी चाहिए ज़्यादा। चलो तो यहाँ पर दे रखा है पैरामीटर और प्रॉपर्टीज, डोज इतनी होनी चाहिए, जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं, मॉलिकुलर वेट जो होना चाहिए 500 डल्टन से कम होना चाहिए, लॉग पी वैल्यू जैसे मैंने आपको बोला था, पार्टीशन कोएफिशिएंट मतलब कितना जल्दी परमिएट कर जाएगा वो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो आई होप आप, यहाँ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बायोफार्मास्यूटिक्स के 3 क्वेश्चंस थे, डिस्पेंसिंग के 3, 6 हो गए, 13, 18, 31 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करे टोटल, ठीक है। तो इस वीडियो में 31 क्वेश्चंस हैं, तो एक बार चेक कर लेना आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, इन 31 क्वेश्चंस में से, 31 क्वेश्चंस मतलब 124 मार्क्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे केमिस्ट्री, जहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चन मेडिसिन केमिस्ट्री के थे, 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, और बायो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए थे, एनालिसिस के 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यू आर एबल टू मैच योर क्वेश्चन। बाकी जो बच्चे 2025 और 2026 का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा कि हाँ कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको फार्मामेस ज्वाइन करना है तो उसका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके जी पैट 2025 और 2026 के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।